अयोध्या राम में है, राम काज में हर कोई लगा हुआ है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे मनीष कश्यप मिले, मनीष भाई मिले अयोध्या में, पूरा राम नाम का पटका जो है पहना हुआ है और पूरी राम धुन में मनीष भाई हैं। चेहरे पर मुस्कान क्योंकि मैं आपको नहीं मिला हूँ, सच कहूँ तो मैंने आपको ढूंढा है और मैं आपने राम को ढूंढा है। मैं आपके पास आया था और मुझे अच्छा लगा कि जब मैं जेल के अंदर था तो आपने मुझे मेरे लिए ट्वीट किया था और मैं आपको देखते ही पहचान गया, तो कहीं नहीं तो कहीं मैंने आपको ढूंढा है। आप राम ने सबको ढूंढा, हाँ प्रभु श्री राम ने सबको ढूंढा है और अयोध्या में है तो आपने बोला कि चेहरे पे मुस्कान। अब राम राज्य में किसके चेहरे पे मुस्कान नहीं हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होगा जो कंस के भक्त होंगे, रावण के भक्त होंगे, दुर्योधन के भक्त होंगे, जो राम के भक्त होंगे, कृष्ण के भक्त होंगे, उनके चेहरे पे तो राम राज में मुस्कान होगा ही। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं। जरा सोचिए कि जब हम धरती पे पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप बताते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी कौन है और तुम्हारी माताजी कौन है, बताते हैं। जब हमारे लोग बताते हैं कि ये हमारे पिताजी है, ये हमारे माताजी है और हम मान लेते हैं कि हाँ वो लोग हैं, तो क्या हमारे गुरुजन, हमारा संस्कृति, हमारा समाज वो बता रहा है कि राम भारत के थे और राम के वजह से भारत, राम के वजह से अयोध्या, तो क्या हम नहीं मान पाएंगे? तो जो लोग नहीं मानेंगे उन लोगों को मैं कह रहा हूँ नहीं, जैसे अभी तो ये विवाद हो रहा है कि अभी कि भाई ये तो मुहूर्त ठीक नहीं है, एक तो ये और दूसरा ये कि अधूरा मंदिर है, दो और तीसरा एक नया आ गया, सुना है आपने, मार्केट में नया आया है क्या, कि जहाँ विवादित ढांचा गिराया गया, जहाँ असल जन्मभूमि है, मंदिर वहाँ बन ही नहीं रहा है, उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। संजय राव दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, ये पता था आपको? नहीं ये बात नहीं पता था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है वो आपसे, हमसे और ये जो सवाल कर रहे हैं उन लोगों से ज्यादा ज्ञानी होंगे। दूसरी बात, जो लोग मंदिर बना रहे हैं वो लोग जो है 500 सालों का संघर्ष किए हैं, तो वो लोग कभी भी गलत जगह पे मंदिर बनाएंगे ही नहीं। और तीसरी बात, ये जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये लोग तो चाहते ही हैं कि रामलला और दिन टेंट में रहे। अब कितने दिन टेंट में रहेंगे? 500 सालों तक टेंट में ऑलरेडी थे। अब हमारे पास जो मंदिर है उसी में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। धीरे धीरे हम लोग और बनाएंगे और बनते 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 अगर उन लोगों को लगता है कि पूरा मंदिर बन जाए तो 2029 में एक बार और उद्घाटन करेंगे, उस समय वो लोग आ जाए। नेताओं को सपने में आ रहे हैं, तेज प्रताप जी को सपने में आए, देखा ना, राम जी आए, वो कह रहे गलत हो रहा है उनके साथ। हमारे भी सपने में राम जी आए हैं और बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद जो है अब बिहार में भी राम राज आएगा, हमारे भी सपने में आए। जरा सोचिए, आप जो है, आप बड़े भाई हैं, मैं भैया बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? नहीं मनीष भाई। अच्छा ये बताइए कि आप जो है उनके सपनों को देख ले रहे हैं और उनके सपनों को दिखा दे रहे हैं, और एक भक्त जो राम का भक्त है, मैं भक्त हूँ राम के, सपने में आए प्रभु राम? हाँ एकदम बिल्कुल आए, और राम जी बोले हैं कि अब राम राज जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, बिहार में भी राम राज स्थापित होगा, बंगाल में भी राम राज स्थापित होगा और पूरे देश में राम राज स्थापित होगा। प्रभु राम ने बताया? हाँ एकदम सुबह 4 बजे सपने में आए थे, अभी कल ही तो सपने में आपने सपने में आए टाइम देख लिया उस समय? हाँ एकदम जो है सपने में राम जी आए और जब मैं जगा तो मैंने देखा कि घड़ी में 4 बज रहा है। उन्होंने बोला कि भक्त अब उठ जाओ और काम पे लग जाओ और राम राज जो है अब बिहार में भी आएगा, बंगाल में भी आएगा और झारखंड में भी राम राज। अभी क्या है बिहार में? फिर अभी राम राज तो नहीं है, आपको क्या लगता है कौन सा राज है? अभी 2 दिन पहले ही आप देखिए वहाँ पे लड़कियों का रेप हुआ है पटना में, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 4 लोगों की हत्या जो है एक ही जगह पे हुई है, नॉर्मल से विवाद पे। क्या राम राज में यही सब होता है? क्या राम राज पे ये होता है कि तस्कर जो है वो दरोगा को मार दिया गोली, समस्तीपुर में बालू माफिया ने गया में जो है वो दरोगा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और शराब माफिया ने बेगूसराय में दरोगा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया? सबसे असुरक्षित पुलिस जो है बिहार में, और जहां का प्रशासन असुरक्षित है वहां पे रामराज कैसे हो? जाते जाते आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानुष्ठान में, महानुष्ठान पर 11 दिन आज से अयोध्या की भूमि पर हैं और यहां पर पूजा हवन का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम पूजा प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी जानकारी मिली है, आखिरी 3 दिन वो चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे और इतने कड़ाके की ठंड में। वो महापुरुष ही कोई कर सकता है, वो साधारण आदमी नहीं कर सकता। साधारण आदमी जो है किसी प्रकार का वो गोली ले लेता है और हाफ टी शर्ट पहन के जो है और लगता है दौड़ने, वो साधारण आदमी का काम है। ये जो काम कर रहे हैं ये कहीं नहीं तो कहीं महापुरुष है और पूरा इतिहास याद रखेगा
कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश निर्माण के लिए क्या किया। और कुछ लोग, आखिरी में मैं एक शब्द और बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम क्या है, तो राम का मतलब जो है यही है कि रा फॉर राष्ट्र और म फॉर मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही तो हमारे राम है। और इसीलिए राष्ट्र का मंगल करने के लिए जो है हम लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें आपका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, मोदी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र का मंगल राम, प्रभु राम, राष्ट्र का मंगल, और राम राज्य की स्थापना यहीं से 22 जनवरी को होने जा रही है।